सो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, क्योंकि अब आ रही है दिवाली और दिवाली से पहले हम लोग करते हैं घर की सफाई। मतलब एक वीक पूरा घर की सफाई, मतलब ऐसे निकलते बाद मतलब स्टार्ट करेंगे हमारी जो भी सफाई रहती है। पहले हम इस रूम से स्टार्ट करेंगे। मैंने इस वाले कॉर्नर से सफाई स्टार्ट की। और मम्मी करे सुपरवाइजिंग और फिर से मैं लग गई काम पे। और फिर मैंने पीछे वाले गैलरी अच्छे से साफ कर दी। और इस बार मम्मी ने बोला घर की एक एक दीवार चमकनी चाहिए। आज सुबह से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मम्मी धो रही है कपड़ा। और ये पढ़ाई। और दादी भी कोचला से आ गई और ये दादा यहाँ पे आराम कर रहे। और फिर दीदी के मशीन को भी कर दिया हाय चिक्का चिक चिक्का चिक है तू। यही वाला गाना आज सुबह से याद आ रहा है क्योंकि सब कुछ चकाचक कर दिया है। और मम्मी यहाँ पे फिर से सुपरवाइजिंग कर रही है। और उसके बाद मैंने किया ब्रेकफास्ट, दादी ने बना रही है सब्जी। और उसके बाद लग गई दीवारों को चमकाने के लिए और फिर से कांच को चमका रही हूँ कांच की तरह। मन कर रहा है बस अब सोती रहूँ उठू ही ना, पर अभी इतने सारे बर्तन हैं ये साफ करने के बाकी पड़े, बाद में की सीरीज चेक। और फिर से लग गई सब कुछ चमकाने के लिए, सारे बर्तन मैंने अच्छे से फटाफट साफ कर दिए। अगर इतने स्पीड रियली में काम करने में आ जाए ना तो पूरे घर की सफाई एक दिन में ख़त्म हो जाती मेरी। सबको पानी। अब मैं नीचे जाके खाऊंगी खाना। और आज खाने में बहुत ही देर हो गई है, मतलब दो तीन, तीन से ज्यादा ही हो गए थे। और निशा और श्लोक भी स्कूल से आ गए हैं पेपर देके और ये दोनों देख रहे हैं कार्टून। और आज खाने में बनी है रोटी और आलू और छाछ। तो अभी के बज रहे हैं 3 और अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ। खाना खाने के बाद मैं जल्दी से सो गई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही थी। सो अब मैं वापस से जाकर करूँगी सफाई, वापस से जाकर सफाई स्टार्ट करेंगे। पहले देख लेते थे कि श्लोकी और निशा वो सब क्या कर रहे हैं। और दादा यहाँ पे भगवत गीता पढ़ रहे हैं और निशा श्लोकी को पढ़ा रही है। और मम्मी ने बोला इतना सब कुछ चमक रहा है तो ये खटिया क्यों छोड़ रहे हो, तो इसको भी मैंने पोछा लेके रगड़ रगड़ के साफ कर दिया। चाय दे डूरी बाबा। मैगी मैं तो बच गई। और फिर मैंने बनाई मैगी मैगी मैगी, बट मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई, पता नहीं मन ही नहीं कर रहा था मैगी खाने का। और उसके बाद शाम के वक्त दीदी ने लास्ट रूम साफ कर दिया और उसके बाद मैंने पढ़ा ट्यूशन। और यहाँ पे लगी हुई है ममता पंखा साफ करने। और तू क्या कर रही है? फटाफट से इसको भी साफ कर देते हैं और थोड़ी फ्रेश हो जाती हूँ। सुन बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, खाने को कुछ भी मन नहीं कर रहा क्योंकि लेट ही खाया। तो चलो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलती हूँ आपको मैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ, चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। सो मिलती हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।